इतना कम गुस्सा करता है? तो इसलिए अगर सर ने एक भी कंप्लेंट तेरे खिलाफ मैंने सुना तो फिर तो समझ लेना कि तुझे तो कुत्ते की तरह मौत मिल जाऊंगा मैं घर पे। अगर अच्छा से चलो और एक भी गलती नहीं होना चाहिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ, नहीं तो फिर तेरे को तो गया तू भाई काम से। अरे सर आपका लड़का एक नंबर का नालायक। अरे नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ हरामी, पक्का हरामी होगा। अरे नहीं नहीं सर मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। बेवकूफ तो एक नंबर का है ही, ये पक्का वही होगा। अरे क्या सर कुछ भी, मैं ये बोल रहा हूँ आपका लड़का एक नंबर का तेज है। क्या क्या तू तो तेज है? नहीं सर क्या कर रहा है? अरे सर ये क्या कर रहे हो आप? सर ये मारो मत ना उसको, रुको। तू घर चल, तुझे तो मैं मार मार के कुत्ता बनाऊंगा मैं। अभी कौन सा नहीं बनाया? अच्छा बेटा बाप से चुपा रहता है। अरे सर मार क्यों रहे हो सर उसको? अरे सर मार क्यों रहे हो उसको? सर सुन तो लो, मार क्यों रहे हो उसको? अरे सर आप बार बार इसे मार क्यों रहे हो? इतना मारोगे तो ये हाथ से निकल जाएगा और बिगड़ जाएगा। अच्छा तो तुम अब बिगड़ोगे? एक मिनट भी बाप के सामने। एक मिनट बाबा, सर आप मुझे बचा रहे हो पिटवा रहे हो? पापा कंटिन्यू। सर बस अब आपने इसे मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं सीधा केस कर दूंगा। अच्छा तो तू सिखाएगा मुझे, लगता है तुझे भी खुराक देनी पड़ेगी। ये भी है। अरे सर आप मार क्यों रहे हो? सर रुको सर, आप मुझे मार क्यों रहे हो सर? सर रुक जाओ सर, ये क्या कर रहे हो? बेटा अगर तेरी शिकायत आई तो घर जाके चूतल लाल कर दूंगा। Yes, miss. नहीं सर ठूस लो आप पहले, आपका हो गया हो तो। मैडम ये तो चलता ही रहता है। पापा बस भी करो। मैम ये सब तो चलता रहता है, पहले आप ये बताओ मेरा लड़का कैसा है? वैसे तो मुझे पता ही है ये होशियार है, पर मैं आपके मुंह से इसकी तारीफ सुनना चाहता हूँ। तो सुनो आपका लड़का एक नंबर का निकम्मा है और इसको सब छोटा हिप्पोपोटामस बुलाते हैं। अरे मैम सब जलते हैं हमारी लाइफ स्टाइल से। आपका लड़का इतना खाता है कि अपना लंच तो खाता है साथ में पूरी क्लास का भी खाता है। पापा मैंने तो झूठ बोला है, इनको दूसरों का लंच चक्कर और इनके नाम लगा रही है। बेटा देख के लग भी रहा है। हाँ पापा आप सही बोल रहे हैं। आप दोनों का हो गया तो जिस काम के लिए आए हैं वो काम शुरू कर लें। अरे मैडम मीटिंग वीटिंग तो होती रहेगी, ये बताओ खाओगे क्या? कहाँ से आ गई ये? बेटा ज्यादा जोर मत डाल, कहीं कुछ और ना निकल जाए। अरे तुम दोनों बाप बेटे कैसे से हो? मुझे तुम्हारे साथ कोई पीटीएम मीटिंग नहीं करनी और तुम अपनी मम्मी को भेजना जब भी पीटीएम मीटिंग होगी। मैडम वो क्या पेरेंट्स टीचर मीटिंग करेगी, वो तो हमसे भी बड़ी पतोड़न है। Thank you.
ऐसे लोग। अच्छा लगा बेबी, आपकी बियर्ड बहुत अच्छी लगी। बस बस इतनी शरीफ मत बनो, मुझे सब पता है। मैंने तुम्हारे को उसके साथ देखा है छत पे घूमते हुए और बातें करते हुए। बेबी तुम्हें मेरे में और क्या क्या अच्छा लगा? तुम्हारी स्माइल। छोरी क्या बोल रही है मैडम? ये क्या हो रहा है? मैं बताती हूँ। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे हमारा पता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो। अरे मैम आजकल के नौजवान होते ही ऐसे हैं, जहाँ लड़की देखी नहीं वहाँ शुरू हो जाते हैं। बदतमीज कहीं के क्या कर रहे हो ये? अरे अरे मैम कुछ नहीं। पापा थोड़ी तो शर्म कर लो मेरी। दोनों बाप बेटी एक जैसे ही हैं। बेटी पूरी क्लास के लड़कों पे लाइन मारती है और बाप टीचरों पे लाइन मारता है। अरे मैम ऐसी कोई बात नहीं है, क्यों इतना भड़क रहे हो आप दोनों? यहाँ पीटीएम करने आए हो या मुझे छेड़ने आए हो? निकलो यहाँ से। अरे बेकार मैं क्या बोलूं, ये स्कूल है या कबार खाना? ये फाइव स्टार होटल का कमरा थोड़ी ना है जो आपके लड़के को सारी वहाँ की सुविधाएं मिलेंगी। अरे बेटा तुम यहाँ कैसे पढ़ लेते हो? नया पंखा एसी फ्रिज बेड है ही नहीं। सही बोल रहे हो बाबा। आप अपने लड़के की रिपोर्ट कार्ड लेने आए हो या ये सब मुझसे पूछने आए हो? एकदम चुप। हम साला इतनी मरा मरा के पैसा कमाते हैं, अरे फिर हमारे बचुआ को अच्छी अच्छी सुविधा ही नहीं दे सकते? अबे साला इतना बड़ा स्कूल काहे खोले हो? अरे इतना देर हो गया हमें आते हुए, ना ठंडे के लिए पूछा ना गर्म के लिए पूछा। आप अपने लड़के की रिपोर्ट कार्ड लेने आए हो या फाइव स्टार होटल में खाना खाने आए हो जो मैं ये सब आपको पूछूं? अबा ये तो कुछ नहीं, ये तो मुझे मारता भी है। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपका लड़का झूठ बोल रहा है। हे साला तुमने हमारे बचुआ को मार रहे? अब भी मजा आया ना बिलू? रुक साला हम तुम्हें बताते। हम साला हमारा बटुआ का एक नंबर स्कूल में एडमिशन कराएंगे। ये साला घटिया स्कूल है। हाँ पापा जी अब इससे अच्छे वाले स्कूल में जाएंगे जहाँ एसी पंखा कूलर सब कुछ होगा। ये लो अपने बेटे की रिपोर्ट कार्ड और इसे आप किसी और स्कूल में डाल लेना, हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे। आपका ब्रेसलेट बहुत अच्छा लग रहा है। ओह थैंक यू।
से लिया है? गुच्ची से अरमानी से? ये तो मैंने गुच्ची से लिया है। असल में वैसे आपके नेल्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, कहाँ से एक्सटेंशन करवाई है? बस अब कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगी। बेटी भी हर टाइम फैशन फैशन फैशन, अब मुझे समझ में आया कि ये इतनी क्यों बिगड़ी हुई है। मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ, आप कुछ भी बोली जा रही हो। मम्मी देखा, मैं मैसेज छुड़ा से दिखता है कौन छुड़ेल है और कौन नहीं है। दो दो छुड़ेले सामने बैठी हैं। शुक्र बाजार से कपड़े खरीद कर लाते हो, ये टॉप वहाँ 80 का मिलता है और बता रही थी गुच्ची से लाए हो। हाँ मम्मी, मैंने खुद देखा था। मैम ना बहुत सारे कपड़ों में से ऐसे करके कपड़े निकाल रही थी। ओ हेलो, तुम दोनों माँ बेटी अपने आप को समझती क्या हो? अभी की अभी स्कूल से बाहर फेंकवा दूंगी। अरे शुक्र बाजार से कपड़े खरीदने वाली हमें क्या स्कूल से बाहर निकलवाओगी? ये लो अपनी बेटी की रिपोर्ट कार्ड, मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी, निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, हमें भी शुक्र बाजार में से कोई बात नहीं करनी। चलो मेरी पटकड़ों से चलते हैं। कैसा गुरु जी? बेटा तो ऐसा था ही, बाप भी ऐसे ही है। क्या बोला बिड़ू? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बिड़ू क्या चल रहा है अपने लौंडे का? आपका लड़का तो पूरे स्कूल में मशहूर है लड़ाई करने के लिए। अरे मशहूर क्यों लोग, आखिर लड़का किसका है? अरे सर जी, बाप भी अपने एरिया में मशहूर है और लड़का भी अपने स्कूल में मशहूर है। टेंशन किस बात की है? अगर आपको कोई हाथ लगा तो मेरे बेटे को बता देना। अरे सर जी, दिक्कत ये है कि आपका लड़का अकेला नहीं आता क्लास में, एक दर्जन लड़कों के साथ आता है। हे बिड़ू, इसके साथ तो 10-12 आते हैं, मेरे पीछे तो 50 आते हैं। सही कहा ना बिड़ू? हाँ जी पापा जी, जहाँ हम चलते पूरी दुनिया चलती है। आपको पता है एक बार इसकी लड़ाई हुई है और इसने क्या किया है? क्या बिड़ू? अरे रुको पापा। अरे लड़ाइयां तो बतेरी कर दी, कौन सी लड़ाई की बात कर रहे हो? रुको बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ था। इसको तुम लड़ाई बोलते हो? जब तक एक दो का सर ना खोल दे तब तक मजा कहाँ आता है। ये स्कूल है, कोई जंग का अखाड़ा नहीं है जो तुम सर खोलने की बात कर रहे हो। क्या सर, आप तो इसकी तारीफें करते जा रहे हो, क्या आपको लगता है इसमें कोई कमी नहीं है? हे बिड़ू, एक कमी तो है इसमें। अच्छा चलो, कोई तो कमी है, आप ही बता दो क्या कमी है। इसने अभी तक किसी को ऊपर नहीं पहुंचाया। प्रभु, आप दोनों से विनती है, आप यहाँ से चले जाएं। ओके बिड़ू चलते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताना। अरे पापा, अभी तो हफ्ता लेना है यार, लेट हो रहा है। चलो 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 चलो। बाप बेटे एक जैसे हैं, इनका कुछ नहीं हो पाएगा। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। और बताइए क्या हाल चाल है? मैं बढ़िया। नमस्ते सर। क्या बात है बेटा, आज तुम्हारी मम्मी नहीं आई? वो क्या है ना सर, कल ना पापा की लड़ाई हो गई थी मम्मी से, इसलिए वो मायके चली गई। और बताइए सर जी, क्या हाल चाल है बच्चों के स्कूल में? क्या बताएं, आपकी लड़की तो बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने में, पर आपका लड़का एक नंबर का नालायक है। अरे क्या बताऊं सर जी, बेटी तो अपनी माँ पे गई है और ये नालायक मुझ पे। कुछ कहा सर आपने? अरे कुछ नहीं, आज तो इसकी हाल मसाला मांग रही है। नहीं सर, मारना होना हम बच्चों को। क्या बात है सर जी, एक ही क्लास में दो बालक? कुछ बात है क्या, हमें भी बता दो। क्या मतलब, कुछ बोले क्या? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं कुछ नहीं। और तो और, आपका लड़का तो स्कूल भी नहीं आता, पता नहीं कहाँ आवारागर्दी करता रहता है। अरे सर जी,
पर सर्कस चल रहा है क्या? पैलेस मीटिंग नहीं हो रही? अरे मास्टर जी, ये दोनों तो है ही नालायक। मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ, आप इनकी रिपोर्ट कार्ड दे दो और मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, ये देखिए रिपोर्ट कार्ड। अरे चलो रे दोनों, हर जगह मेरी नाक कटवा रखी है। एक हफ्ते से स्कूल नहीं है। तो क्या हो गया सर, वो कोई मीटिंग में फंसे होगा? हाँ हाँ, वो बिजी रहेगा, प्रिंसिपल ने उसके ऊपर चालान काटा है बिजी रहने का। What are you saying, man? I can't understand. हाँ हाँ, मैं समझाता हूँ। प्रिंसिपल ने इसके ऊपर 20,000 रुपए का चालान काटा है। आ गए आप समझ में? 20,000? Hey you fool! आया मजा, आया मजा। Everyone, this side Rakesh. I am the founder and CEO of Celebrity Phase India. And guys, बहुत best opportunity आप सभी के लिए अपनी acting career start करने के लिए। Celebrity Phase के back to back new web series आ रही है। School के best days आ चुका है। Father and Son की story आ रही है। मेरी एक already running है। 3-4 और web series में हम काम कर रहे हैं। और उन सब पे आपको opportunity मिल सकती है काम करने की। यहाँ पे आपको day one से ही हम acting कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं कि आप जाके परफॉर्म करो। बिकॉज डायरेक्टली जब आप परफॉर्म करते हो तभी हम सीख सकते हैं अपनी लर्निंग, मिस्टेक्स और सारी चीज़ें। हम थियोरेटिकल पे काम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं प्रैक्टिकल में। सो अगर जो आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, एक्टिंग में आना है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्टली जंप करो एक्टिंग में, स्टार्ट करो सर डायरेक्टली वेब सीरीज से। फटाफट नीचे दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स भेजो और सेलिब्रिटी फेस की टीम से कनेक्ट हो जाओ। मिलते हैं सेलिब्रिटी फेस की नेक्स्ट वेब सीरीज में। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू ऑल, थैंक यू।